जब भी एग्जॉस्ट को देखता हूँ एकदम पूरा दिल खुश हो जाता है गाइस। अभी हमारा जो मेन साइलेंसर है एक्रापोविक का, देख सकते हो एकदम खतरा वाला, इसको सेट करते हैं। तो गाइस चलो अभी फाइनली साइलेंसर को लगाते हैं। हमारा डाकू रंजीत स्टार्ट कर रहा है बाइक को। बाप रे डरा दिया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से हम लोग लौट गए हैं एक नया वीडियो में, और अगला वाला वीडियो आपने देखा होगा हमारा एक्रापोविक का R1M वाला एग्जॉस्ट का। तो आज पार्ट टू बनाने वाले हैं, क्योंकि उस वाले वीडियो में सिर्फ अनबॉक्सिंग किए थे हम, और आज उसको पूरा एकदम सेट करके दिखाएंगे। तो एरा बेन पाइप आपके सामने देख सकते हो गाइस। चलो आज का वीडियो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो गाइस एरा एग्जॉस्ट फाइनली देख सकते हो, एग्जॉस्ट को बाहर निकालते हैं, देख सकते हो गाइस एरा एग्जॉस्ट। वाओ, जब भी एग्जॉस्ट को देखता हूँ एकदम पूरा दिल खुश हो जाता है गाइस। ये मेरा फेवरेट एग्जॉस्ट है। ये डीबी किलर है, डीबी किलर को नहीं लगाएंगे गाइस, बाद में लगाएंगे, पहले पूरा एकदम तहलका साउंड चाहिए हम लोगों को। चलो गाइस फटाफट से हम लोग इसका जो स्टॉक साइलेंसर है उसको चेंज करते हैं, और ये वाला साइलेंसर को लगाते हैं, एक्रापोविक का साइलेंसर को। चलिए गाइस साइलेंसर को खोलते हैं फटाफट। चलो गाइस फटाफट से इसको अंडरबेली को एक हटा देते हैं। अंडरबेली को हटाने के लिए आपको एक चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर। इधर दो नट दिया गया है, देख सकते हो गाइस दो नट को हमने खोल दिए हैं, और अभी एक एलन की से खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों चार नंबर का एलन की ले लेंगे, चार नंबर की एलन की से ये खुल जाएगा, देख सकते हो अंडरबेली हाथ में आ गया है। तो गाइस अभी बेंड पाइप को खोलने के लिए एक 12mm का जो सॉकेट उसको लेंगे, और उसके बाद इसका जो स्टॉक साइलेंसर का पाइप है उसको खोलेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो अभी खुल रहे हैं। तो दो नट को खोलने के बाद ये हो गया लूज। इस दो नट को खोलने के बाद O2 सेंसर को खोलेंगे। तो चलो O2 सेंसर को खोलने के लिए 17 नंबर का एक पाना लेना पड़ेगा आप लोगों को। ये रहा O2 सेंसर गाइस, देख सकते हो। एक 6 नंबर का एलन की बोल्ट से साइलेंसर का इस वाले बोल्ट को लूज करना पड़ेगा। इस वाले बोल्ट को खोलने के बाद पूरा साइलेंसर हाथ पे आ गया। दोस्तों इसका ही वेट करीब करीब 7 से 8 किलो के करीब है। अभी हमारा जो मेन साइलेंसर है एक्रापोविक का, देख सकते हो एकदम खतरा वाला, इसको सेट करते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये रहा वेंट पाइप, और इस वाले वेंट पाइप पे है कैटलिक कन्वर्टर, देख सकते हो, और O2 सेंसर के लिए एक जगह दिया है। चलो सिंपली यहाँ इसको ऐसे करके सेट करेंगे, ये देखो सेट हो गया। ये रहा स्प्रिंग, देख सकते हो अभी इस वाले स्प्रिंग को यहाँ पर फंसाना होगा। तो गाइस स्प्रिंग को यहाँ पर फंसाने के लिए एक रस्सी का सहारा लेना पड़ेगा आप लोगों को, देख सकते हो इस तरह से। और ये देसी जुगाड़ है, ये देखो गाइस स्प्रिंग सेट हो गया। तो गाइस ये रहा बेन पाइप, देख सकते हो अभी बेन पाइप को सेट करेंगे। तो बेन पाइप को सेट करने से पहले यहाँ पर जो O2 सेंसर है उसको लगा देंगे, सेंसर को सेट करेंगे यहाँ पर, देख सकते हो किस तरह से, ये देखो। चलो अभी बेन पाइप को सेट करते हैं। चलो गाइस अभी बोल्ट को लगा देते हैं, सभी बोल्ट को हम लोग टाइट कर रहे हैं अच्छे से। दोस्तों अभी O2 सेंसर को लगा देंगे, और अभी अंडरबेली को लगाएंगे। हमारा अंडरबेली लगना कंप्लीट हो गया, O2 सेंसर लग गया। अभी विदाउट साइलेंसर आपको आवाज़ सुनाते हैं, देख सकते हो साइलेंसर उधर खुल रखा हुआ है। ओह भाई इतना लाउड गाइस, ऐसे नहीं होगा गाइस। चलो साइलेंसर को लगाते हैं। तो गाइस चलो अभी फाइनली साइलेंसर को लगाते हैं। ये देखो गाइस लग गया, और यहाँ पर जो इसका जो कवर है वो खोल कर रखे हैं, क्योंकि स्प्रिंग हमको सेट करना है इसलिए। चलो अभी स्प्रिंग को लगा देते हैं। दोस्तों अभी मैं इस वाले बोल्ट को टाइट कर रहा हूँ अच्छे से, देख सकते हो। अभी कवर को लगा देते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा एग्जॉस्ट लग के कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो अभी फाइनल लुक कैसा आ रहा है। चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को साउंड सुनाता हूँ, मैं आप लोगों को एक बार स्टॉक आवाज सुनाता हूँ बाइक का। तो चलो अभी बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को आवाज सुनाता हूँ इस वाले एक्रापोविक साइलेंसर का कैसा साउंड है। तो चलो रंजीत स्टार्ट करो। हमारा डाकू रंजीत स्टार्ट कर रहा है बाइक को। बाप रे डरा दिया। तो गाइस आवाज सुन सकते हो,
बहुत ही बेसी आवाज है। Short like Frodo. Hey, activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is my. चलो अभी रोड पे लेके जाके टेस्ट करते हैं। चलो गाइस अभी टेस्ट करते हैं। तो गाइस देखा आपने साइलेंसर कैसा आवाज कर रहा है और कैसा मतलब पटाखा भी मार रहा है। ये मैंने बाय किया है स्काई बॉय शॉप से। अगर स्काई बॉय शॉप से आप भी बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां से बाय कर सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब प्रोडक्ट वहां पर मिलता है बाइक का एक्सेसरीज। तो चलो गाइस मैं उम्मीद करता हूं साइलेंसर का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।